दोस्तों राधे फिल्म को कमीशन बेसिस पर रिलीज करने की बात की जा रही है। वाइडफ के साथ आखिर क्या माजरा है, क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, केआरके ने ये स्टेट किया है एक रिपोर्ट में अपनी तरफ से कि ये कहा जा रहा है कि सलमान खान 75 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं राधे की थिएटरिकल राइट्स बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 75 करोड़ के लिए इनकार कर दिया है। यानी कि थिएटरिकल राइट्स वही की फिल्म दिखाएंगे, मतलब सपोज मैंने थिएटरिकल राइट्स खरीदा अगर राधे का, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 75 करोड़ दू सलमान खान को, और 75 करोड़ में मैं इस फिल्म को पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करूं, थिएटर्स में अलग अलग बेचूं और मैं उससे अपना प्रॉफिट निकाल लूं। तो इस तरह की डील कर रहे थे सलमान खान, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर रेडी नहीं हुआ। दूसरी अपडेट यहां पर यह है कि सलमान खान ने 55 करोड़ तक फिर आ गए और 55 करोड़ की डिमांड करने लगे, और 55 करोड़ के लिए भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर रेडी नहीं हुआ। इस तरह की रिपोर्ट कह रही है केआरके की। ठीक है, केआरके ने वही यही कहा कि 55 करोड़ पर भी जब कोई थिएटरिकल राइट्स खरीदने को रेडी नहीं था कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तो सलमान खान वाइफ के साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खुद और कमीशन बेसिस पर अपना मुनाफा कमाएंगे राधे का। ये खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की जो खबरें है ये बहुत बड़ा स्कूप होती है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी एक बोलते ना अपडेट होती है जो बहुत जल्दी सामने नहीं आती है। तो मे बी केआरके सही बोलते होंगे, बट जहां तक मुझे लगता है उनकी कोई बातों पर मैं यकीन नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि राधे का थिएटरिकल राइट्स मुझे नहीं पता 75 करोड़ में बिका हुआ कि नहीं, बट हाँ ये मैं जानता हूँ कि 100 करोड़ से नीचे सलमान खान अपनी फिल्म को नहीं बेचेंगे ब्रो। उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से जब ईद पर आएगी तो फिल्म धमाका मचाएगी, और ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते हैं, एग्जीबिटर्स जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात केआरके कह रहा है इसमें ज्यादा कोई तथ्य नहीं है और इस पे कोई विश्वास ना करे। सलमान खान की जो अपडेट होगी राधे की थिएटरिकल राइट्स की वो हमें पता चल ही जाएगी, वो भी फरवरी मार्च तक, क्योंकि फिल्म वैसे भी मई महीने को आने वाली है राइट ईद के दौरान। तो आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको भी उनकी बात सच है केआरके की या फिर झूठ, आपको क्या लगता है जरूर बताइए। मुझे लगता है ये बात पूरी तरह से झूठ है और सलमान खान अपनी फिल्म का भाव नीचे कभी नहीं गिरा सकता।